स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति। भारत के लिए अब ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां उसने अपना परचम न लहराया हो, और यही वजह है कि पूरी दुनिया की निगाहें भारत पर टिकी हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो अब 2024 में अपना गगनयान मिशन लॉन्च करेगा। इसकी तैयारी अभी जारी है। गुरुवार को इसरो ने इस मिशन में इस्तेमाल होने वाली प्रणोदन प्रणाली से जुड़े दो टेस्ट किए हैं, और ये अच्छी बात है कि दोनों टेस्ट सफल रहे। और इससे भी बड़ी बात ये है कि इस मिशन में शामिल होने वाले अंतरिक्ष यात्रियों को गगन टोनस बुलाया जाएगा। जी हाँ, इसरो की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक गगनयान मिशन के तहत 3 दिनों के लिए 3 गगननॉट्स को अंतरिक्ष के लिए रवाना किया जाएगा, और समुद्र में लैंडिंग के जरिए इन्हें वापस लाया जाएगा। आपको बता दें कि गगनयान का लक्ष्य पृथ्वी से 400 किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष में पहुंचना है, और इस मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्री चुनने का काम भारतीय वायुसेना को दिया गया था। इस प्रोजेक्ट के लिए 10,000 करोड़ रुपए जारी किए गए थे, और अब चंद्रयान 3 के बाद इसरो का गगनयान मिशन भारत के लिए कई मायनों में खास होने वाला है। चलिए अब आपको बताते हैं पूरे मिशन के बारे में। गगनयान मिशन क्या करेगी, इसकी तैयारियां कैसी चल रही है, और चंद्रयान 3 से इसका आखिर कनेक्शन क्या है। सबसे पहले जानते हैं कि क्या है गगनयान मिशन। इस मिशन के जरिए इसरो पृथ्वी की निचली कक्षा यानी LEO के लिए मानव अंतरिक्षयान भेजेगा। इसरो का उद्देश्य है कि पृथ्वी की निचली कक्षा में इंसानों को भेजा जाए, और ऐसा करने के लिए स्वदेशी क्षमता को विकसित करना है। इसके लिए बड़े स्तर पर तैयारियां की गई हैं। इसरो का दावा है कि सुरक्षा के लिहाज से इस मिशन के लिए जाने वाले अंतरिक्ष यात्रियों को ऐसा लाइफ सपोर्ट सिस्टम उपलब्ध कराया जाएगा जैसा उन्हें धरती पर मिलता है। जी हाँ, ये बात थोड़ा हैरान कर देने वाली है, लेकिन उनकी सुरक्षा का खास ख्याल रखा गया है। मिशन को लॉन्च करने से पहले कई टेस्ट करके उनकी सुरक्षा को जांचा जाएगा। इसमें एयर ड्रॉप टेस्ट यानी IADP, पैड अबॉर्ड टेस्ट यानी PAT और टेस्ट व्हीकल यानी TV फ्लाइट शामिल हैं। इन टेस्ट के परिणाम ही बताएंगे कि ये मिशन अंतरिक्ष यात्रियों को ले जाने के लिए कितना सक्षम है। अब जानते हैं कैसी है मिशन की तैयारी। इस मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्रियों की तैयारी पूरी हो चुकी है। इसकी तैयारी में इसरो के चंद्रयान 3 का अहम रोल है। वहीं गगनयान कैप्सूल को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी चल रही है। चंद्रयान 3 को लॉन्च व्हीकल मॉड्यूल यानी LVM3 से छोड़ा गया है। अब गगनयान को लॉन्च करने में LVM3 के मॉडिफाइड वर्जन का इस्तेमाल किया जाएगा। इसकी भी एक खास वजह है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या खास वजह है। दरअसल अंतरिक्ष यात्रियों के साथ गगनयान को छोड़ने के लिए भारी रॉकेट की जरूरत होती है। वर्तमान में देश के पास LVM3 से ज्यादा विश्वसनीय और भारी रॉकेट मौजूद नहीं है। वर्तमान में LVM3 का सक्सेस रेट 100% है। ये कई ह्यूमन रेटेड सिस्टम से लैस है। आसान भाषा में समझे तो इसका मतलब है कि इंसान को अंतरिक्ष में ले जाते समय रॉकेट किस हद तक तैयार होना चाहिए और कैसा होना चाहिए, किस हद तक ये सुरक्षित होना चाहिए, किसी तरह की दिक्कत आने पर रॉकेट तुरंत मिशन को वहीं पर रोक दे। अब इस पूरे मिशन को लेकर इसरो प्रमुख डॉक्टर एस सोमनाथ ने पुष्टि की है कि गगनयान के लॉन्च व्हीकल की रेटिंग पूरी हो गई है। इसमें इस्तेमाल होने वाले प्रोपल्शन मॉड्यूल, सॉलिड लिक्विड और क्रायोजेनिक मॉड्यूल्स की जांच हो चुकी है। अब रॉकेट के दूसरे पार्ट की टेस्टिंग की जा रही है। आपको बता दें कि गगनयान मिशन 3 चरणों में पूरा होगा। पहला चरण मानव रहित होगा, दूसरे चरण में रोबोट को मिशन पर भेजा जाएगा। इससे मिलने वाले परिणाम और सुरक्षा के पहलुओं पर नजर रखते हुए सब कुछ ठीक मिलने पर तीसरे चरण में अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा जाएगा। वीडियो में दी गई जानकारी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।